सभी को नमस्कार। मैं विजयपाल, पीजीटी इतिहास, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहड़ाई रेवाड़ी, कक्षा 11वीं के विषय इतिहास के अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन भाग 1 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पाठ के उद्देश्य। डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, लेखन कला की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? दूसरा, लेखन कला की शुरुआत किन कारणों से हुई, अर्थात इस कला की शुरुआत होने के लिए कौन-कौन से कारक या कारण जिम्मेदार हैं? तीसरा, मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली का विस्तार किन-किन क्षेत्रों में हुआ? चौथा, शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न हम इस अध्याय में करेंगे। और पांचवा हमारा उद्देश्य रहेगा, लेखन की परंपरा से क्या-क्या प्रतिफल अर्थात परिणाम प्राप्त हुए। पाठ के मुख्य बिंदु। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के इस भाग एक के मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे। पहला, शहरी जीवन की शुरुआत। दूसरा, मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजें। तीसरा, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। चौथा, शहरीकरण का महत्व। और पांचवा, शहरों में माल की आवाजाही। शहरी जीवन की शुरुआत। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे पाठ के इस भाग का पहला बिंदु है जिसमें हम शहरी जीवन की शुरुआत के बारे में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है, मेसोस अर्थात मध्य और पोटेमोस अर्थात नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया मेसोस और पोटेमस दो शब्दों से मिलके बना है जिसका अर्थ होता है दो नदियों की बीच की भूमि। और ये दो नदियां हैं दजला और फरात। जैसा कि आप इराक के इस मानचित्र को आप देख रहे हैं, इसमें ये दोनों नदियां हैं दजला और फरात। इन दोनों नदियों के क्षेत्र को ही मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया और तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में और यहाँ तक कि मिस्र के फराहों के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भूमध्य सागर का मानचित्र है और ये इधर ऊपर तुर्की, इधर पूर्व की ओर सीरिया और नीचे ये इजिप्ट या मिस्र है। इन सभी क्षेत्रों में मेसोपोटामियाई जो भाषा और साहित्य है उसका विस्तार 2000 ईसा पूर्व के आसपास हो गया था। लिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को, मुख्यतः इसके शहरी दक्षिण भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। जैसा कि ये आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये इराक का मानचित्र है और ये इसका दक्षिण भाग है। सुमेर और अक्कद इस दक्षिणी भाग के एक शहरीकृत क्षेत्र है या इसके मुख्य शहर केंद्र है। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था, तब इस दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा था। लगभग 1100 ईसा पूर्व में जब
असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया था, तब उस क्षेत्र को अर्थात मेसोपोटामियाई क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा था। इस प्रदेश अर्थात मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन अर्थात सुमेरी थी, लेकिन धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया था। अक्कदी भाषा सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर के समय तक अर्थात 336 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ यहाँ फैलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। यह भाषा अर्थात अरामिक भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक के कुछ भागों में यह बोली जाती है। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजें। मेसोपोटामिया अर्थात प्रेजेंट इराक में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। वहाँ एक या दो स्थलों उदाहरण के लिए उरूक और मारी, जैसा आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, ये दो प्रमुख स्थल हैं उरूक और मारी। यहाँ उत्खनन कार्य यानी कि खुदाई का काम कई दशकों तक चलता रहा। हालांकि भारत में इतनी लंबी और व्यापक खुदाई किसी भी स्थल में नहीं चली थी। इन खुदाइयों के फल स्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख, इसका तात्पर्य है सुमेर जो ईंटों के बने शहरों की भूमि है उससे। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे और जब इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। 19वीं सदी के मध्य से जब से मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत हुई तब से अतीत की खोजें या अतीत को खोजने का जो उत्साह है उसमें कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। उदाहरण के लिए 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा शुरू किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका अर्थात टेबलेट की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन अर्थात फ्लड की कहानी का अंकन किया हुआ था। बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन अर्थात फ्लड पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, परंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसे ही जल प्लावन की कहानियाँ विभिन्न समाजों में सुनने को मिलती हैं।
1960 के दशक तक यह समझा जाने लगा कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्षरशः सही नहीं हैं, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। हालांकि धीरे धीरे तकनीक अधिक उन्नत होती गई और नए नए पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। हालांकि बाइबल की कहानियों की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का काम धीरे धीरे गौण होता चला गया। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। डियर स्टूडेंट, यह हमारे इस भाग का अगला बिंदु है जिसमें हमें यह जानना है कि मेसोपोटामिया के अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र हैं और उनकी क्या क्या खास बातें हैं। मेसोपोटामिया अर्थात इराक भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वनों से ढके पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते चले गए हैं। साथ ही यहाँ पर स्वच्छ झरने और जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का एक अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी। जब इन नदियों में बाढ़ आती थी अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में लाया जाता था, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ पे जमा हो जाती थी। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है और पुराने जमाने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ और मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढलानों पर पाली जाती थी, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। शहरीकरण का महत्व। प्यारे बच्चों, यह हमारे इस भाग का अगला बिंदु है जिसमें हमें यह देखना है कि शहरों का महत्व किन कारणों से होता है। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थल होते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कस्बे बसने लगते हैं और ऐसी परिस्थितियों में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद साबित होता है। विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन नगरों के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। उन्हें नगर के दूसरे लोगों या गांव के लोगों के द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या चीज़ों और उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।
उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है और वह खुद ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर कहाँ से प्राप्त करें। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी अर्थात पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है, वह व्यापार करना भी नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु अर्थात तांबा और रागा जो टीम के रूप में बनते हैं लाने के लिए खुद बाहर नहीं जा सकता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है, अर्थात सामाजिक संगठन शहरीकरण की एक मुख्य विशेषता है, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों की सभी प्रकार की जरूरतें को व्यवस्थित करने, उनके लाने, उनके भंडारण करने, उनकी देखरेख करने और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बिठाना पड़ता था। इसके लिए कुछ लोग आदेश देते थे जबकि दूसरे लोग उनके आदेशों का पालन करते थे। इसी तरह कुछ लोग उनका हिसाब किताब लिखित रूप में रखते थे। वार्काशीर्ष इसी तरह का एक उदाहरण है। यह 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह शिर है जो सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसकी आँखों और भौहों में क्रमशः नीले लाजवर्द अर्थात लेपिस लाजुली और सफ़ेद सीपी और काले डामर अर्थात बिटुमन की जड़ाई की गई होगी। सिर के बीच या सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफ़ी दूरी से लाना पड़ा होगा। शहरों में माल की आवाजाही। प्यारे बच्चों, यह हमारे पाठ का अगला बिंदु है जिसमें हमें यह देखना है कि शहरों में माल की आवाजाही किन-किन साधनों के द्वारा की जाती थी। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, लेकिन उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे अर्थात मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियाँ और गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए खास अच्छी नहीं थी और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए वहाँ कोई धातु उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रंगा, चांदी, सोना, सीपी अर्थात विभिन्न धातुएं और पत्थर, विभिन्न प्रकार के जो कीमती पत्थर हैं उनको पड़ोसी देशों जैसे तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। इन सभी सामानों के बदले मेसोपोटामिया के लोग इन पड़ोसी देशों को अपने यहाँ पैदा होने वाला कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद उन्हें काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे, क्योंकि इन पड़ोसी देशों के पास भले ही खनिज संसाधनों की कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की गुंजाइश बहुत कम थी। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर
शहरों में अनाज या काठ कोयला लाना और ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च हो जाता है, और शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती है। इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका हर जगह जलमार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, जबकि पशुओं से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जल धाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी, और फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में बहुत महत्वपूर्ण थी। पाठ की दोहराई। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के सभी बिंदुओं को समझने के बाद आइए पाठ की दोहराई करते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया अर्थात इराक में होती है। दूसरा, हमने इराक अर्थात मेसोपोटामिया के पुरातत्वीय खोजों के इतिहास को जाना है। तीसरी बात, मेसोपोटामिया और उसके भूगोल अर्थात वहाँ की विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को जाना है। और चौथी बात, शहरीकरण के महत्व या खास बातों की जानकारी प्राप्त की है। और अगली बात, शहरों में माल की आवाजाही की प्रक्रिया को समझा है। गृह कार्य या होमवर्क। प्यारे बच्चों, पाठ के सभी बिंदुओं को समझने और पाठ की दोहराई करने के आधार पर आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? किन दो नदियों से यह नाम बना है? दूसरा प्रश्न, आपके विचार से भारत में किसी भी पुरातात्विक स्थल की उत्खनन परियोजना मेसोपोटामिया जितनी लंबी क्यों नहीं चली? तीसरा प्रश्न, हर क्षेत्र पर उसके भूगोल का प्रभाव पड़ता है, मेसोपोटामिया का उदाहरण देकर समझाइए। चौथा प्रश्न, शहरों में रहना लोगों के लिए फायदेमंद और संकटमय दोनों तरह का होता है, कैसे? और पांचवा प्रश्न, यातायात का सबसे सस्ता साधन जलमार्ग ही होता है, क्यों? डियर स्टूडेंट्स, पाठ के सभी बिंदुओं को समझने और पाठ की दोहराई करने के साथ आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उम्मीद की जाती है कि आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो इस वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखिए, सुनिए और समझ करके इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।